मैं आज आप लोग को एक चीज दिखाऊंगी। हम घर में मंचूरियन बना रहे हैं और ये भाभी बना रही है। कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, तो भाभी ये सब ये मैं भाभी के लिए कुछ हेल्प की हूँ। ये मिर्ची का थोड़ा सा काट ली हूँ और ये लहसुन है और ये गाजर और ये बरबटी और ये प्याज, इसको काटने में थोड़ी हेल्प की हूँ। और ये है पत्ता गोभी, तो इसमें ही मंचूरियन बनता है, तो इसको काट ली हूँ मैं। इसको अभी ग्राइंडर में पीसना है, तो जल्दी जल्दी मैं पीसती हूँ और आगे का क्या कैसे करते हैं आप लोग को दिखाऊंगा, देखते हैं। मैं मिक्सी वाला ये काम कर चुकी हूँ, आप लोग को चाकू में दिखे। ये है पत्ता गोभी को और ये भाभी मिर्ची डाली है और अदरक और लहसुन भी डाल चुके हैं और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लोर और मैदा डालते हैं। भाभी ये कहाँ से सीखे आप बताओ थोड़ा सा। ये मैं नेट से देखी थी, फिर मेरे दादी एक दिन बनाए थे तो देखी थी, उनसे सीखी। फिर रेस्टोरेंट में भी कभी कभार ऐसे होटल ढाबा में खाने जाती थी तो वहाँ पे देखी थी कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जर्व की थी, कभी बनाई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। ट्राई करते हैं कैसे बनता है। मेरे भाभी को ऑयल वाला जिनिस बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, और ऐसे भाभी मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोग मुझे एक मिलियन 1 के सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे, मैं आप लोग को भाभी से मिलाऊंगी। उस समय ये मेरा ख्वाहिश है, अभी नहीं मिला सकती मैं। कितना सारा इसको आटा जैसे गूंथते हैं वैसे उस तरह बनाते हैं, फिर उसका गोला बनाएंगे, फिर गोला को तेल में तलेंगे, उसके बाद मंचूरियन स्टार्ट करें। और ये जो काटे हैं इसको किस समय डालेंगे? ये बनाने के बाद दिखाऊंगी, प्रोसेस में जो अभी चल रहा है। आज तो मैं सीख जाऊंगी मंचूरियन कैसे। कढ़ाई को गरम कर ली दो। हाँ, अब ये गूंदो मैं कर रही हूँ, इसमें करते हैं। कढ़ाई डाल चुकी हूँ दोस्तों, अभी मुझे गैस ऑन करना है। कैसे ऑन करूँगी, देखिए हाथ में स्लो में डालो, बन गया। उसमें तेल डाल दो बहुत सारा। बहुत सारा मतलब आप डालो, मैं करती हूँ। चम्मच से? चम्मच से नहीं, उसी से डाल दो। चम्मच से करते हो तो टाइम होगा, टाइम नहीं है यार। बहुत सारा तेल लगता है, मैं अभी तेल डाल चुकी। दो तीन हो गए हैं।
इतना सारा गुलाब बनाए थे और यहाँ प्लेट में 3 थी है। अभी मैं गुलाब बनाती हूँ। बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा ना, देखिए छोटा छोटा बहुत बड़ा हो गया, इसलिए छोटा छोटा करो बेटा। हो गया। तो दोस्तों मैं भाभी की हेल्प करती हूँ फटाफट से। और वो क्या, देखो ये कैसा हो रहा है, उसके बाद दिखाऊंगी इसको। गोल्डन ब्राउन होने से ही कढ़ाई से निकालेंगे, दिखाती हूँ गोल्डन ब्राउन कैसा दिखता है। ये है गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, देखिए इसको बोलता है गोल्डन ब्राउन कलर, मुझे नहीं पता था। तो मैं मेरा काम में लगती हूँ, इतना सारा बनाई हूँ और इतना सारा है अभी। और ये दूसरी बार चढ़ाए हैं। मैं डालने में भाभी की हेल्प कर रही हूँ, लेकिन ये हो गया है, कढ़ाई भर गया है तो नहीं डालूंगी अभी। अभी मैं इसमें डाल सकती हूँ। खाली बनाओ और इतना हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है। इसको मैं जल्दी जल्दी करती हूँ और आगे क्या करेंगे दिखाऊंगी। ये तो हो रहा है, तब तक के लिए मैं बर्तन है बहुत सारा तो बर्तन साफ करती हूँ, आगे क्या करेंगे दिखाऊंगी। जल्दी जल्दी इसको फटाफट साफ करती हूँ मैं। अभी ये गरम करके जो बर्तन साफ कर रही हूँ, तो मिर्ची जो आप लोगों को दिखाई थी थाली में था वो सबको डाल के मिक्स कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ करती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ। अभी हम डालेंगे टमाटर सॉस, ये है टमाटर सॉस। उसके बाद क्या डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस, इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद डालेंगे ये है ग्रीन चिली सॉस। इसके बाद डालेंगे ये है सोया सॉस 2 चम्मच। हो गया है चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये है टमाटर सॉस। तो आपके अनुसार यानी आपके घर में जितना नमक खाते हैं इतना ही डालिए।
इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे पकाएंगे। उसके बाद और क्या डालते हैं, उसके बाद इसको पकने देते हैं, उसके बाद पानी डालेंगे। अभी इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी डाल चुके हैं और उसके आगे पानी थोड़ा ठीक, ये पानी डालेंगे। फिर इसको ठीक बनाने के लिए हम कॉर्नफ्लोर को डालेंगे, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिला के डालेंगे इसमें। अब बनाए, ऑलरेडी बन चुका है ये रहा मेरे बर्तन साफ करने से वे। यस, ये रहा कॉर्नफ्लोर मिक्स वाटर, इसको डालेंगे इसमें। उसके कैसा होगा वो डालने से, पहले से तो मिलावट ठीक होता है, मतलब ये जो ग्रेवी बनता है हम लोगों का वो मोटा बन जाता है, ठीक होता है खाने में स्वादिष्ट। थोड़ा गाढ़ा बन गया, बहुत ज्यादा गाढ़ा बन गया। हाँ देखिए आज तो मस्त डिश बन रहा है, खाने के लिए तो मजा आ जाएगा। मंचूरियन डालेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे इसको ऐसे। ये हम सूखा वाला मंचूरियन डाले हैं, बना रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद है तो आप उसको ग्रेवी भी बनाकर नान के साथ की कोई अलग डिश के साथ भी खा सकते हैं। ये बन गया है, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। कितना मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट? यही बस मसाला उसके अंदर तो जैसे घुसे उतना टाइम। ये घुसने देते हैं, इसके बाद किसी को नहीं दिखा। देखिए बन चुका है ये। So let's see, this is looks so delicious, it looks ये हो गया है। देखिए गैस बंद हो चुका है और अभी खाने के लिए निकाल रहे हैं। चलिए निकालते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, उसके बाद आते हैं भाभी ऑलमोस्ट। हे दोस्तों, मैं आज आप लोग को बहुत खूबसूरत इंसान लोग को मिलाना चाहती हूँ। वो मेरे मामा की बेटी है और एक बहन है, आप लोग को देखकर बहुत मजा आएगा। उनका नाम है जस और बहुत प्यारे हैं, और ये है खुशबू। जस बहुत प्यारे हैं और लोगों के लिए तो उनके मन में हम लोग जाते हैं तो इतना ज्यादा प्यार करते हैं, पता नहीं बहुत सारा चीज। और जो स्पेशल डिश देख रहे हैं, खास करके भाभी उनको भांजी लोग को बहुत प्यार करते हैं, यानी भतीजे ये सबसे क्या जसा और खुशबू के लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे बाप रे, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और मुझे पता नहीं है कि गुपचुप भी है यहाँ। ओ बाप रे, मजा आ जाएगा आज का। अरे बाप रे, गुपचुप भी है और गुपचुप देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जा रहे हैं। और इसका पानी देखिए कितना टेस्टी है, कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए खा के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मैं। अरे बाप रे, मुझे तो खाने का मन कर रहा है, जल्दी जल्दी निकलती हूँ यहाँ से। तो दोस्तों मैं अभी गुपचुप खाती हूँ, गुपचुप नहीं पहले ये खाऊं। अरे बाप रे, बहुत मजा आ रहा है और गुपचुप पानी बहुत ज्यादा पसंद है। पहले मैं गुपचुप पानी पीऊंगी, उसके बाद गुपचुप खाऊंगी। बहुत ज्यादा मजा आ गया, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करती हूँ। और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताएगा, और प्लीज नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड को शेयर कीजिए। बाय। मुझे गुपचुप खा के बहुत मजा आ गया और बहुत ज्यादा जला रहा है, तो इसलिए मैं अभी जो मेरे मामा और मामी है, वो मामी ये बना दिए हैं सूजी का पीठा और बहुत अच्छा लगता है। पहले बार लाए थे तो मैं इसका वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में देखना और बहुत मजेदार लगता है ये। मैं इसको खाती हूँ अभी, बहुत ज्यादा वो हो रहा है। अरे बाप रे, उससे भी बेहतर।
तो मैं इसको खाती हूँ जल्दी जल्दी। और कैसा लग रहा है मेरा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जल्दी जल्दी। और प्लीज सब्सक्राइब करो, आप लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, करो जल्दी।